देखिए स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन दिया गया है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 0,0 एंड अनदर एट 3,√3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, जो तीसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट हमें बताओ। देखिए सबसे पहले ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। पहला वर्टेक्स इसने बोला कि 0,0 के ऊपर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। देखिए इसने क्वेश्चन में कहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 0,0 और अनदर वर्टेक्स एट 3,√3। दैट पॉइंट इज 1, 2, 3। 3,√3 इज दिस वन, दैट पॉइंट इज 3,√3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, जो तीसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। देखिए ये ओरिजिन से डिस्टेंस इसके हमने ली, ठीक है, तो ये इक्वल आनी चाहिए इस डिस्टेंस के। और यहां से हमें एक गैस हो रहा है कि ये वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा तीसरा वर्टेक्स। दो वर्टेक्स तो हमें पता है, तीसरा वर्टेक्स वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, या फिर वाई एक्सिस के ऊपर नहीं लाई कर रहा तो आप इसको एक्स कॉमा वाई ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वाई एक्सिस पे नहीं है तो आप एक्स कॉमा वाई भी लेट कर सकते हो। और एक वर्टेक्स जो हमें लग रहा है वो कहीं यहां लाई कर रहा होगा नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये वर्टेक्स यहां होगा और एक वर्टेक्स यहां होगा, ठीक है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 0,0 अनदर एट 3,√3। एक 0,0 के ऊपर है, एक 3,√3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, जो तीसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट आप बताओ, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। आप अगर इसको ओ ले लो, इसको ए ले लो, ये बी पॉइंट है, इसको चाहे आप बी डैश ले लो, ठीक है। वैसे है तो सेम ही लेके चलो, आप इसके भी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मान के चलो, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट आएंगे तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला और यहां से आ जाएगा ओ ए डिस्टेंस, हम निकालेंगे ओ ए डिस्टेंस हमारी क्या आती है। देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, √3 - 0 का होल स्क्वायर। ये ओ ए आ गया। अब ऐसे ही आपने क्या निकालना है, ऐसे ही आपने ओबी डिस्टेंस निकालना है ओबी, और इसका मॉड कर दीजिए अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऐसे ही ओसी डिस्टेंस निकाल दीजिए, ओसी डिस्टेंस क्या आ जाएगा अंडर रूट ओसी, ये हमारा ओए डिस्टेंस आ गया, ठीक है जी। फिर ओबी भी अभी हमने निकाला, अब ओसी नहीं सॉरी एसी एबी डिस्टेंस, एबी डिस्टेंस की बात करते हैं। एबी हमारा क्या आएगा, देखिए एबी हमारा यहां से फाइंड आउट करते हैं और एबी को भी लिख देते हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। और ये हमारे पास आएगा एबी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 - x² + √3 - y² देखिए इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो ये आ रहा है अंडर रूट 3 - ए बी डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो ए बी आ जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर + √3 - y² ये आ जाएगा ए बी। ओ ए आ गया, ए बी ओ बी, ये सारी डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे और इन तीनों को इक्वल करेंगे। जब आप तीनों डिस्टेंस इक्वल करोगे तो यहां से आ जाएगा, क्योंकि इक्वलेटर में सारी डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ओ ए आ जाएगा अंडर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 3² + √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा। ओ बी
इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ए बी आ जाएगा होल मॉड इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो सर। तो ये आ जाएगा ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 3, ये आ जाएगा 12। यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी क्वेश्चन, ऐसे ही ए बी, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस इक्वल करनी है, स्क्वायर करके इक्वल करेंगे, स्क्वायर से क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। देखिए ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वायर, इन तीनों को हम इक्वल कर देते हैं। जब आप तीनों को इक्वल करोगे तो यहां से क्या आएगा 9 प्लस 3 12 इक्वल टू ओ बी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ए बी को हम सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y, ये आ जाएगा। अब इन दोनों तीनों क्वेश्चन को देखिए, ये आएगा 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 9 प्लस 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y, ठीक है जी, इस तरीके से आपने लिख दिया। और ये क्वेश्चन हमारी बन जाएगी, जैसे आप पहली क्वेश्चन को ले सकते हो तो आ जाएगा 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट ले सकते हो इन दोनों को, ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 12 तो इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये इधर आके 6x प्लस 2√3y, कॉमन लेके कैंसिल करो, ये आएगा 3x प्लस √3y इक्वल टू 12, ठीक है। 6 ये आपने कॉमन लिया तो ये इक्वल टू ये इधर आके प्लस का हो गया 12 इधर आ गया, ठीक है। ये जो हमने यहाँ कॉमन लिया था उसको डिवाइड भी करेगा, 2 6 12 तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3x प्लस √3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन जाएगी इस तरीके से, इक्वेशन नंबर 2। और यही हमारी इक्वेशन सेकेंड बन गई, और जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसको भी हम ले लेते हैं और फिर इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये आ गया जैसे 3x प्लस √3y इक्वल टू 6 आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x, अगर 3 कॉमन लेना है तो x प्लस 3 डिवाइड में आएगा इसके, तो आ जाएगा y अपॉन √3, 3 डिवाइड में तो √3 से कटेगा तो एक √3 बचेगा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है। ये आ जाएगा वाई के टर्म्स में, वाई इक्वल टू आ जाएगा वाई इक्वल टू, देखिए ये एक्स जो है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो वाई अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और रूट 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा वाई इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस एक्स, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू हम वाई की किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे आप इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 था, इस इक्वेशन में पुट कर दो वाई की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर दो। जब आप वाई की वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हमने पुट किया √3 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, ये आ गया। फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x
इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 12 प्लस 3x² माइनस 12x इक्वल टू 12, ये आ गया। 3x² और एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 4x² माइनस 12x, 12 और 12 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम 4x कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 0 आ रही है और 1 आ रही है, यहां से आप देख सकते हो x की वैल्यू 3 आ रही है, 0 आ रही है और 1 3 आ रही है, और x की वैल्यू रख के आप y की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू, यहाँ सॉरी दूसरा क्वेश्चन देख लेना, ये तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 होता है, तो x की वैल्यू आपने जब 0 रखी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 आ रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर क्या होता है 4 इंटू 3, तो ये 2√3 आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा 0,2√3, और ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 हमें पता ही है, तो ये आ जाएगा 3, जब आप 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू निकाल लो, फिर से भाई y की वैल्यू √3 आ जाएगी, अब जब आप इसके अंदर पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 जाके माइनस का होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस 9 कितना होता है 3, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई √3। जब आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो ये वाला पॉइंट आया, जब आपने एक्स की वैल्यू 3 रखी तो ये वाला पॉइंट आ गया, और 3,√3 तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये पॉइंट तो ऑलरेडी है, और इसलिए फिर इस पॉइंट को हम क्रॉस कर देते हैं, ये पॉइंट ही है हमारे पास 0,2√3, और प्लस माइनस ले लो, ये नीचे आ जाएगा -√3, वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 प्लस माइनस आएगा ना, तो प्लस वाला तो ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस वाला देखो आप, ठीक है, दो पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 0,2√3 और दूसरा पॉइंट आ रहा है 3,-√3, ये हमारा आंसर है।